अस्सलाम वालेकुम फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं डॉल्फिन अबाया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत अबाया कटिंग से करते हैं। यहाँ मैं 5 मीटर क्लोथ ले रही हूँ पूरा अबाया बनाने के लिए। आपको शायद कम भी लगे, शायद ज़्यादा भी लगे, डिपेंड करता है कपड़े की विड्थ पे। यहाँ मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है और मैं 58 इंचेस की लेंथ लेके एक कॉर्नर से पूरे कपड़े पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगी। क्योंकि मेरे कपड़े की विड्थ कम थी तो मुझे यहाँ पे एक जॉइंट लगाना पड़ेगा एंड पे। अगर आपके कपड़े में अच्छा घेरा है तो आपको जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने ये वाला कपड़ा जॉइंट में लगाया है द सेम वे जैसे हमने आगे 58 इंचेस लिया था। यहाँ पे भी हम 58 इंचेस लेके और सर्कल कंप्लीट कर देंगे हमारा। जो जॉइंट बना है वहाँ हम सिलाई कर देंगे। अब हमने जहाँ से मेजरमेंट लिया था जिस कॉर्नर से वहाँ पे मार्क कर देंगे हम, और वहाँ से 11 इंचेस छोड़ के हम एक सिलाई लगा देंगे। अब कैप की कटिंग पे आते हैं तो मैं यहाँ पे वेलवेट क्लोथ ले रही हूँ। आप इस क्लोथ को 4 फोल्ड कर दें और वहाँ पे एक सेमी ओवल शेप दे दें और इसको कट कर लें। 3 to 3.5 इंचेस ये लेंथ रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखें, इससे ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं होता है हमारा। कैप के लुक को एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ, आप चाहे तो कुछ ना भी लगाएं। जहाँ हमने पॉइंट मार्क किया था वहाँ से कैप के सेंटर से हम लोग मिला करके कैप को अटैच कर देंगे। अब बारी आती है नकाब कटिंग की। तो नकाब कटिंग के लिए कपड़े को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। अब आपने मार्किंग लगानी है जहाँ आपका 12 इंचेस आता है वहाँ पे, और वहाँ से आपने 17 इंचेस की लेंथ लेनी है, मतलब कि आपके नकाब की लेंथ होगी 17 इंचेस। तो आपने मेजर टेप को घुमा घुमा के मार्क लगा देना है 17 इंचेस पे, और अब दोनों ही मार्क्स को कट कर लेते हैं। तो इसके साथ हमारे नकाब की कटिंग हो गई है और ऐसा दिखता है नकाब। ऊपर से थोड़ा सा वी शेप आता है इसमें। अब नकाब को अटैच करना है तो ऊपर से 1 इंच छोड़ के हम लोग जो है एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर लेंगे और वहाँ पे हम जो है नकाब को अटैच करेंगे। अब हमने जो है कैप से लेके नीचे तक जहाँ पे मतलब नकाब अटैच करा है वहाँ तक हमने 26 इंच मार्क कर लेना है, और वहाँ पे हमें 6 इंचेस का आर्म होल बनाना है, 6 इंचेस का सर्कल बनाना है मतलब। और सिलाई से जो सेंटर की सिलाई है वहाँ से फोल्ड करके हमें आर्म होल को कट कर लेना है, सो दैट दोनों ही तरफ जो है हमें इक्वल शेप मिले आर्म होल का। सो कटिंग के बाद अबाया कुछ इस तरह से दिखेगा, और जो ट्रायंगल शेप बना है वहाँ पे हम नकाब अटैच करेंगे। नकाब अटैच करने से पहले हम जो है नकाब के लिए स्ट्रैप्स बना लेते हैं। तो स्ट्रैप्स के लिए यहाँ पे मैं 20 इंचेस लेंथ ले रही हूँ और 2 इंचेस ब्रॉड स्ट्रैप्स बनाऊंगी। नीचे से थोड़ा सा स्लांट शेप कट कर देंगे, इससे नकाब का जो स्ट्रैप्स है वो और ज़्यादा इफेक्टिव लगेंगे। पहले जो है ऊपर का हिस्सा आप लोग हेम कर लें और फिर सेंटर से 4-4 इंचेस दोनों तरफ लीव करके वहाँ पे हम जो है स्ट्रैप्स अटैच कर देंगे। तो स्ट्रैप्स अटैच हो गए हैं और ये नकाब की फाइनल लुक है। अब नकाब को मैं जो है जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी वहाँ से अटैच कर देंगे। तो मैंने नकाब अटैच कर लिया है और कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है ये। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स जैसे हम नॉर्मल सूट के लिए ड्रेस के लिए करते हैं वैसे ही हमने स्लीव्स कट कर लेनी है। यहाँ पे मैं 16 इंचेस लेंथ ले रही हूँ स्लीव्स की, 16 इंचेस इनफ हो जाएगी। इन स्लीव्स में फिश कटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नीचे से स्लीव्स को हेम कर लें, इतनी स्पेस लीव करें कि जो है इसमें से इलास्टिक पास कर सके।
तो ये बॉटम से स्लीव्स हेम हो गई है और यहाँ पे जो है हम इलास्टिक लगा लेंगे। इलास्टिक लग जाने के बाद जो है आपने फिटिंग की सिलाई इसमें कर देनी है। स्लीव्स की फिटिंग के बाद आप स्लीव्स को आर्म होल से अटैच कर दें। और स्लीव्स लग जाने के बाद अबाया के बॉटम्स को हेम कर लें और हमारा अबाया रेडी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में खास याद रखें। मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।